जब पहली बार शो का कॉन्सेप्ट सुना था, मेरा रोल सुना था, तब मेरे दिल ने कहीं ना कहीं मुझे बोल दिया था कि द रिस्पॉन्स टचवुड इज गोइंग टू बी वेरी गुड, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है शो का, इट्स सो रियलिस्टिक एंड इट्स सो रियल, पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट टू इट, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इट्स एन एक्सट्रीमली रिलेटेबल कॉन्सेप्ट टू बिगिन विद. इसीलिए मैं तो ये बात जानती थी, बट आई एम सो हैप्पी दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट हैज टर्न्ड आउट टू बी एग्जैक्टली द वे आई हैड इमेजिन्ड. So, कैसे ये आप कैसे काव्या बनी और कैसे शो आपके पास आया, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें. बिल्कुल. राजन सर एंड मेरी मॉम ने बहुत साल पहले काम किया हुआ है एंड आई हैव आल्सो नोन राजन सर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो डेफिनेटली एक वो फीलिंग थी दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी एसोसिएटेड एंड टू वर्क विद सर सूनर और लेटर. एंड टीवी में आई वाज वेरी स्केप्टिकल फॉर माय बिगिनिंग बिकॉज आई न्यू दैट जो मेरा डेब्यू शो होगा टीवी में, इट हैज टू बी it was very important for me because it will be my start in television, because iske pehle I've been doing films in South Bollywood, Punjabi, regional languages of course. So I wanted my start in Indian television to be very powerful. So when Rajan sir's show came to me, so it was like it was a blessing because I always wanted to work with sir, and Anupama jo show hai, it's that type of a show jo ki main पर्सनली भी इससे काफी क्लोज फील कर सकती हूँ, बिकॉज ऑल द कैरेक्टर्स इन द शो आर वेरी रिलेटेबल. फर्स्टली इट्स अ वेरी रियलिस्टिक शो, इसमें कहीं पे भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई प्लानिंग प्लॉटिंग फोर्सफुली डाला गया है, एक्स्ट्रा ग्लैमर डाला गया है शो में, वो सारे एलिमेंट्स डालने की कोशिश किए हैं शो में विच विल मेक द शो लुक ग्रैंड. नो, द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो इटसेल्फ इज वेरी ग्रैंड, विच इज द हीरो ऑफ द शो, द कॉन्सेप्ट. So that's why I thought this for me is the best decision that I can make for myself in my career, for my start in television. So that's how Anupama came to me and that's how the journey began. Yeah. So, you know, जिस तरीके का शो आया, especially अगर आपकी character की बात करें, are you okay with that type of character, you know, एक other woman? जो एक टैग होता है. ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में इससे सहमत थी कि ओके ठीक है, मैं इस तरह का कैरेक्टर निभाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हर कोई टीवी में चाहता है कि आपको एक पॉजिटिव साइड में दिखाया जाए और एज अ हीरोइन, क्योंकि वो एक रोल मॉडल हो जाती है जिस तरीके से अनुपमा हर घर में उस तरह की एक औरत होती. एब्सोल्युटली. वेल, मैं यही माइंडसेट ब्रेक करना चाह रही थी बिकॉज जो एक पैटर्न बना आया है अब तक के जो पॉजिटिव रोल्स है, ऑब्वियसली पॉजिटिव रोल्स आर एक्सेप्टेड एंड लव, एवरीबडी लव्स दैट, बट एट द सेम टाइम काव्या जो है ना, दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ माई कैरेक्टर हियर, बिकॉज शी इज द अदर वुमन, ऑफकोर्स शी इज द अदर वुमन, बट एट द सेम टाइम उसका अप्रोच बिल्कुल नेगेटिव है ही नहीं. द वे काव्या का कैरेक्टर लिखा गया है, शी हरसेल्फ इज अ वेरी रियल एंड अ वेरी पॉजिटिव गर्ल एट द एंड ऑफ द डे. जो लोग फॉलो कर रहे हैं शो को, जो लोग एपिसोड देख रहे हैं, they see where Kavya is coming from, uska background kya hai, everything has been very well justified in the show. So whatever she is feeling, whatever she is doing, it's completely natural, which any girl in her place would have done, you know. So Kavya ka jo bhi approach hai, even towards Anupama, towards all the other characters in the show, she's in love with this man called Vanraj, and jo unki wife hai Anupama, she had in the beginning a very good rapport with her also. Usne kabhi bhi Vanraj ko ye nahi kaha कि तुम अनुपमा को छोड़ दो, और दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड वांट यू टू लीव अनुपमा एंड देन कम एंड स्टे विद मी, उसका ये अप्रोच था ही नहीं. इनफैक्ट वो हमेशा अनुपमा को सपोर्ट करती आई है, शी इज बीन वांटिंग कि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, शी आल्सो बिकम्स इंडिपेंडेंट. सो जो जिस तरह से काव्या का रोल लिखा गया है, दैट इज व्हाट टच्ड माय हार्ट. आई थॉट दैट दिस इज समथिंग, दिस इज आई कैन ब्रेक द पाथ ऑफ द मिथ व्हिच इज क्रिएटेड, नो द अदर वुमन इज अ वैम्प, या वो उस तरह से नेगेटिव जोन में जाएगा बिल्कुल. नो, दिस इज अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. सो व्हेन आई वुड गेट अ चांस टू प्ले समथिंग सो स्ट्रॉन्ग, आई हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू प्ले विद माय रोल, बिकॉज काव्या के बहुत सारे शेड्स है, शी इज नॉट जस्ट गुड और शी इज नॉट जस्ट फीलिंग जेलस, देयर आर सो मेनी ट्रैक्स दैट काव्या इज इन्वॉल्व इन. इसीलिए आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू ब्रेक द मिथ. स्पेशली जो काव्या का ड्रेसिंग है, जो उनका अटायर है, वो भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है. पर्सनली आप कितना रिलेट कर पाती हैं उससे, वो रेड साड़ी और जो भी उनका एक अटायर दिखाया गया. यस, अगेन थैंक यू फर्स्टली, बट आई थिंक दिस इज लाइक अ चेरी ऑन टॉप फॉर काव्या, बिकॉज कैरेक्टराइजेशन इतनी बेहतर, जो हमारे राइटर है उन्होंने इतने अच्छे से जो कैरेक्टर लिखा गया है, सो दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर काव्या, कि उनका जो लुक है
also the designers and our creatives have worked very well on Kavya's look. So for every occasion you see, she is dressed in a different way altogether. Uski dressing bhi bahut hi bariki se work kiya gaya. The red sari, I was so happy with that look personally because it added a lot of grace, it added a lot of beauty to the entire the scene, jo mehndi ka hamara scene. Everybody was dressed in red. Everybody theme banaya tha. So also my hair and the way the whole sari was draped on me, everything touch wood came out very well. And also in the other scenes, abhi aap dekhenge aage jaake also jo Diwali ka hai and other occasions and stuff also. So I am personally very happy when it comes to Kavya's styling because I can also put in my inputs. Isme freedom bhi hai mujhe. Aisa nahi hai ki ek set look hai mera jo har ek scene mein I have to follow this one standard hair, standard makeup, standard look, standard outfits. I have the freedom to play with my looks also here. So that is, like I said, a cherry on top. अभी जिस तरीके से बाकी शोज को इसने पीछे कर दिया इस शो ने, उसके बारे में क्या कहेंगे और दिवाली में किस तरह का कुछ दिवाली सीक्वेंस आने वाला है, किस तरह का शूट आप लोग कर रहे हैं सेट पे? फर्स्टली मैं कहना चाहूंगी कि लाइक आई सेड बिकॉज़ आवर कॉन्सेप्ट इज द हीरो ऑफ द शो, सो इसीलिए लोगों को जब ये शो इतना पसंद आ रहा है, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर ऑल गेटिंग एंड द काइंड ऑफ मैसेजेस व्हिच आई आल्सो पर्सनली रिसीव लोगों से जब कहते हैं कि उनको शो पसंद आ रहा है, इट मेक्स अस ऑल फील ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमने जब शुरुआत की थी, सो आई थिंक वी ऑल कम अ वेरी लॉन्ग वे फ्रॉम दैट एंड अभी तो आगे द जर्नी इज अगेन वेरी लॉन्ग फ्रॉम हियर. बट ऑल्सो वेन यू हियर पीपल सेइंग दैट दे लव योर वर्क, दे लव द शो, so at the end of the day we feel very satisfied and happy because yahi hamara motive hai ki we make people happy, we can entertain them, we can give them the happiness that they need. So also people tell me ki during the COVID time and everything, this is like a break for them when they see they get entertained a lot from our show. So of course it's a great feeling to see that now Anupama is number one and abhi hame yahi maintain karna hai. We by the grace of God set a benchmark for ourselves, so yes, we're going to maintain that. कि दिवाली बीइंग अ फेस्टिवल फुल ऑफ लाइट्स, फुल ऑफ स्पिरिट एंड जॉय एंड कलर्स, तो अभी तक काफी सारे रीसेंट एपिसोड्स में आपने देखे हैं तो काफी बम फूटे हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक एक्सप्लोजन्स इन दिस शो. सो दिवाली में और भी काफी बम फूटने वाले हैं जो लोगों को काफी एंटरटेन करेंगे और ये ट्विस्ट वाले बम हैं, तो इस बारे में मैं ज्यादा कुछ रिवील तो नहीं कर पाऊंगी. But आगे के एपिसोड्स में लोगों को ये एक्सप्लोजन्स देखने मिलेंगे जरूर and I'm sure it's going to be very entertaining. So मदन सर, लोगों से किस तरीके से फीडबैक मिला, क्योंकि मिक्स रिएक्शन है आपकी कैरेक्टर को लेके स्पेशली, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नो 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 वनराज और अनुपमा के बीच में आ गई, कुछ लोगों ने तो आपके नाम का हैशटैग भी चलाया है वान्या करके, काव्या और वनराज का मिक्स जो रिएक्शन मिल रही है उसके लिए क्या कहेंगी? ये mixed reactions both are working for me very positively because character कहीं ना कहीं the only thing which is not falling in place here is of course being in an extramarital affair, which is the only thing which is a hitch here. But apart from that, everything again is so real कि you know when two people are in love, they are in love, you know, और वो वही चीजें कर रहे हैं जो कि anybody who would have been in love would have done, any couple in love. So the response which I'm getting is people are telling me ki ek tarah se jo mujhe response aa raha hai wo ye hai ki log kehte hain ki they love character, the jo Kavya ka jo characterization hai, they love her personality and kahin na kahin logo ko Kavya ki character se inspiration mil rahi hai kyunki log kehte hain ki in our Indian society abhi bhi there are certain norms jo ki follow hote hain and so when they see somebody like Kavya, they get hopes and they get an inspiration that yes, one can lead life in a very independent way, in a very strong way, and ek alag hi unko duniya dekhne ka nazariya dekhne ko milta hai when they see Kavya and they see the way she's leading her life, which is of course it's a very big compliment for me because if I get to play something like that which is motivating people, what can be better than that? So these compliments make me very happy and at the same time logo ko lagta hai ki it's not right on Kavya's part or it's not right on Vanraj's part or when it comes to Anupama as a character, so it's not right for her. But see, these are all the mixed reactions. Again, this is working in my favor. Why? Because
दिस इज समवेयर डाउन द लाइन जो हम कर रहे हैं. ऑफ कोर्स दिस इज टू मेक पीपल वे दे आर फीलिंग. सो इफ दे आर फीलिंग इन अ सर्टेन वे फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ काव्या एंड वनराज, दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी, बिकॉज दिस इज आवर कैरेक्टर, दिस इज आवर पार्ट दैट वी आर प्लेइंग. सो अगेन इट्स पॉजिटिव बोथ वेज फॉर मी. अब दिवाली है आपके घर पे, आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप कहते हैं क्रैकर्स नहीं बस करें, तो किस तरह की प्रिपरेशन घर पे चल रही है जस्ट बिकॉज कोविड भी है, बहुत लोगों के घर जा नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, तो कैसी तैयारी कर रही हैं? हमारी तैयारी यही है कि घर पे फैमिली के साथ हम वी आर ऑल गोइंग टू सेलिब्रेट अ वेरी नाइस क्वाइट पीसफुल दिवाली. और क्रैकर्स ना, इट्स नॉट जस्ट नाउ बट Always, none of us believed in bursting crackers because जो stray animals होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि बेचारे dogs, cats, जितने भी strays होते हैं वो या तो गाड़ी के नीचे जाके छुप जाते हैं या किसी पॉटहोल में जाके बैठ जाते हैं, because they are very scared of loud noise, you know. So इसीलिए I would really hope and request people, and I hope that they don't burst a lot of crackers this year. Or also it's very bad for the environment. So hum to ghar pe we're going to of course light up the house with diyas and be around family, have a nice dinner celebration and watch TV maybe, you know, do something with family. But again we can't go in public places and we won't be celebrating jaisa hum har saal karte hain aaye hain. It's going to be nice and peaceful, quiet. Close dinner at home. So, एक बॉलीवुड की जो दिवाली होती थी हमेशा खबरों में रहती, उसको कितना मिस करेंगे क्योंकि अब इस साल कुछ ऐसा होने नहीं वाला है. Miss तो definitely करेंगे, because दिवाली पर भी I have always been with my family. When it comes to any festivals and occasions, I have always been with my mom and dad, my close friends, you know, my childhood friends, my family, everybody, we've been together. तो वो चीज तो सबके साथ रहने वाली चीज definitely बहुत मिस होगी. मिस करेंगे, बट अगेन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द डे एंड एज जिसमें हम अभी रह रहे हैं, वेयर थ्रू अ ज़ूम कॉल वी कैन बी सो क्लोज टू ईच अदर. जैसे हम अभी ज़ूम पे बात कर रहे हैं, यू कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू. सो अगेन ऑन दिवाली, ऑन एनी स्पेशल जॉयस ओकेजन, वी कैन हैव अ ग्रुप चैट एंड वी कैन ऑल बी विद ईच अदर ऑल्सो वर्चुअली इफ नॉट फिजिकली.